बिहार में बीजेपी की नैया डूब चुकी है, लेकिन बीजेपी के ये बड़े नेता बिहार में बीजेपी की डूबती नैया को बचा सकते थे, और अगर वो बिहार में होते तो शायद आज बिहार की सियासी तस्वीर कुछ और ही होती। अगर ये नेता वहाँ होते तो मामला अलग होता, ये कहना बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का था, जिन्होंने हाल ही में एक फैसला लिया और भारतीय जनता पार्टी की तस्वीर बदल कर रख दी। ऐसा कहा जा रहा है कि सुशील मोदी ने बिहार को छोड़ा और बिहार की सियासी तस्वीर कुछ ऐसी बदली कि अब बीजेपी सत्ता से बेदखल हो चुकी है। सुशील मोदी का कद बिहार की राजनीति में कितना बड़ा था, इस बात को सुशील मोदी ने तब साबित कर दिया था जब पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव को बड़े मामलों में घेरने से लेकर महागठबंधन को घुटने पर लाने तक सुशील मोदी ने बड़ी भूमिका निभाई थी। आखिर क्यों उनकी गैर मौजूदगी का असर भाजपा पर पड़ा, ये भी जान लीजिए। भाजपा की तरफ से राज्यसभा भेजे गए सुशील मोदी को रणनीति, क्षमता और राजनीतिक सूझबूझ के लिए जाना जाता है। मोदी तख्त जुटाकर ही विरोधियों पर हमला करते हैं, विरोधी भी उनकी इस क्षमता को अच्छे से जानते हैं। यही कारण है कि कई बार बिहार में उनकी छवि को धूमिल करने की कोशिशें भी की गई, लेकिन उनके कद का इस पर कुछ खास असर नहीं पड़ा। इसका उदाहरण लालू पर बेनामी संपत्ति को लेकर हमलों का सिलसिला भी रहा है। तारीख थी 4 अप्रैल 2017 जब मोदी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कई सबूतों को सामने लाया और ये बताया कि किस तरीके से मिट्टी घोटालों की मुद्दे पर लालू प्रसाद यादव का नाम सामने आया था। तभी राज्य में मॉल की जमीन को अवैध तरीके से पटना जू को बेचने का मामला भी सामने आया था। इसे लेकर जांच शुरू हुई तो कुछ ही समय बाद मोदी और सबूत लेकर के सामने आ गए। इसके बाद उन्होंने 16 मई 2017 को फिर से यादव परिवार को घेरा और कई अवैध कंपनी और संपत्तियों का खुलासा किया। सुशील मोदी यही नहीं रुके, वो लगातार लालू परिवार पर सवाल उठाते रहे। तेज प्रताप से लेकर राबड़ी देवी तक कुछ बड़ी संपत्तियों का उन्होंने खुलासा किया। ये वो सुशील मोदी हैं जिन्होंने अपने दम पर महागठबंधन को तबाह कर दिया था। जब सुशील मोदी ने लालू के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत की थी तब नीतीश कुमार महागठबंधन का हिस्सा थे, और जब मोदी ने महागठबंधन को खत्म किया तो नीतीश कुमार भाजपा के साथ आ गए। इसके बाद नीतीश कुमार ने लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया और विधानसभा में भी बीजेपी के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। तब सुशील मोदी विरोधियों के निशाने पर थे और राज्य में उन्हें दूर रखने की कोशिशें भी खूब की गई। अक्सर ये कहा जाता है कि नीतीश कुमार भी सुशील मोदी की बातों को सुनते थे। ऐसे में ये माना जाता है कि उनमें बिहार में भाजपा को संभालने का क्षमता था, लेकिन बिहार में उनकी दूरी हुई और लिहाजा ये हुआ कि बीजेपी की बिहार में नैया डूब गई और अब वो सत्ता से बेदखल भी हो चुकी है। सत्ता से बेदखल होने के बाद बीजेपी बौखलाई हुई है और बीजेपी के पास फिलहाल प्रदर्शन करने के सिवा और कोई विकल्प नहीं बचा है। बहरहाल आप तमाम बड़ी खबरों को देखने के लिए बिहारी न्यूज़ के साथ बने रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया।